तंबाकू का आकार है, वहाँ उसका आपका है ना संबंध है, यहाँ पर एक घटना हुई ये इस पे गाजीपुर बॉर्डर पे, ये बीजेपी वाले हरकत करवाते रहे कुछ ना कुछ उससे, यहाँ तीन दिन से कर रहे कि स्वागत स्वागत हो रहा स्वागत हो रहा, आज उसके मंच की तरफ भी आज गए झंडे ले रहे, दो घंटे से ढोल बाजी गलेबाजी पत्थरबाजी, तो कौन आ गई भाई तीन दिन से किसका स्वागत हो रहा, मतलब उकसाने का काम कर रहे छप गए, और हो कुछ नहीं पा गया तो कहने जो बाल्मीकि समाज का मंत्री था एक और उसका विरोध करा भाई सड़क पर यहाँ पे दिन में को लाखों गाड़ियां जाती है, हम किसी की रिकॉर्ड रखते हैं कौन आ रहा कौन जा रहा है, इनकी पहरेबंदी करती है, तो ये लगा के बाल्मीकि समाज का मंत्री और कोई नहीं बना, ये कोई वो मंत्री बना होगा तो कहने लगे जी उसका विरोध करा बाल्मीकि समाज का, मतलब और कुछ हिला नहीं पाया बाल्मीकि समाज जो गांव में हम सब इकट्ठे रहते हैं, कहने लगे जी बाल्मीकि समाज का वो करो, यहाँ पे लोग थे बीजेपी के झंडे लगा के, यहाँ पे बाल्मीकि समाज का कोई झंडा लगा करना ये लड़ाने की कोशिश करा कोई, बाल्मीकि समाज समझदार है पूरा ना, बाल्मीकि समाज इनके चक्रु मावे वही सब कई जगह पंचायत हुई बाल्मीकि समाज की, अब आज बाल्मीकि समाज को तो बाल्मीकि समाज का विरोध कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि जो बीजेपी के लोग यहाँ पर आने के उसके पास में मंच, मतलब स्वागत किसी का करना है करो 200 मीटर आगे पीछे कर लो, या जो मंच है मंच से 20 फीट की दूरी पर स्वागत होगा, और स्वागत तो एक दिन होगा दो दिन होगा तीन दिन लोग स्वागत करेंगे, पत्थर फेंकेंगे काले झंडे लेकर आवेंगे, काले झंडे मंच की तरफ को लेके जाएंगे, किसानों को उकसाने का काम करेंगे, और जब किसान की तरफ हुआ तो झंडे छोड़ छोड़ के भागे तो इसका काले झंडे किसान उठाएंगे, उनको दिखाएंगे एक झगड़ा करवाने का एक बड़ी साजिश है, इनसे बचना यह साजिश करता है बहुत बड़े, इस तरह के ट्रेंड करा जाता है नौजवानों को ये साजिश रचो, तो भाई कौन सा तरीका है उस तरीके से बता दो कि ये बार बार आ रहे प्रशासन को बता रहे पुलिस को बता रहे, वे रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे, आज हम भी ने भी तहरीर वहां पे दी, और यहाँ का पुलिस प्रशासन ये एलिगेशन लगा रहे जी हम आपको 40 टैंकर पानी देते हैं, कोई एहसान जता रहे हो कि 40 टैंकर पानी देते हैं, यहाँ पर धरने पर बैठे तो पानी कौन देगा, आपको नहीं देना हम अपने बोरिंग कर लेते हैं भाई वो बता दो, तो इस तरह का काम ना करे पुलिस प्रशासन, जो उनको काम बताया जाता है जो होता है जो घटना हो रही है उसकी सही जानकारी रखें, उस पर काम करें, कौन आदमी हरकत कर रहा है यहाँ ढोल बजा रहे हो आप, पुलिस की देख रेख में वहाँ ढोल बज रहे झंडे दिखा रहे, और फिर कह रहे जी बाल्मीकि समाज को तंग करा जा रहा है, तो इस तरह की कोई ना मनसा है ना है ना हम ये आंदोलन किसी समाज का है ना किसी समाज के विरोध में है, तो ना कोई भी समाज इन चक्रमा पहले भी इन्होंने जातियों में बांटने का काम करा, तो ये है यहाँ किसान क्रांति गेट पे सब शांतिपूर्ण तरीके से है, सब लोग गांव में भी अपना शांति से रहे, और समय समय पे जो भी चीज होगी वो आप कोऑर्डिनेट करवाते रहेंगे, ये किसान क्रांति गेट गाजीपुर दिल्ली से वहाँ उसका आपका है ना संबंध है, दुर्घट तो बनते ही आ गए, यहाँ पर एक घटना हुई ये इस पे गाजीपुर बॉर्डर पे, ये बीजेपी वाले हरकत करवाते रहे कुछ ना कुछ उससे, यहाँ तीन दिन से कर रहे कि स्वागत स्वागत हो रहा स्वागत हो रहा, आज उसके मंच की तरफ भी आज गए झंडे ले रहे, दो घंटे से ढोल बाजी गले बाजी पत्थर बाजी,
मतलब कौन आए थी भाई, तीन दिन से डिस्कस हुआ का पूरा, मतलब उकसाने का काम कर रहे छप गए और हो कुछ नहीं पाएगा तो कहने जो बाल्मीकि समाज का मंत्री था एक और उसका विरोध करा भाई सड़क पर यहाँ पे दिन में को लाखों गाड़ियाँ जाती हैं, हम किसी की रिकॉर्ड रखते हैं कौन आ रहा कौन जा रहा है, इनकी पहरेबंदी करती है। तो ये लगा के बाल्मीकि समाज का मंत्री और कोई नहीं बना, ये कोई वो मंत्री बना होगा तो कहने लगे जी उसका विरोध करा बाल्मीकि समाज का, मतलब और कुछ हिला नहीं पाया। बाल्मीकि समाज जो गांव में हम सब इकट्ठे रहते हैं देर लगे जी बाल्मीकि समाज का वो करो, यहाँ पे लोग थे बीजेपी के झंडे लगा के, यहाँ पे बाल्मीकि समाज का कोई झंडा लगा करना ये लड़ाने की कोशिश करा कोई, बाल्मीकि समाज समझदार है पूरा ना, बाल्मीकि समाज इनके चक्रु मावे वही सब कई जगह पंचायत हुई बाल्मीकि समाज की, अब आज बाल्मीकि समाज को ये तो बाल्मीकि समाज का विरोध कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो बीजेपी के लोग यहाँ पर आने के उसके पास में मंच, मतलब स्वागत किसी का करना है करो 200 मीटर आगे पीछे कर लो, या जो मंच है मंच से 20 फीट की दूरी पे स्वागत होगा, और स्वागत तो एक दिन होगा दो दिन होगा तीन दिन लोग स्वागत करेंगे पत्थर फेंकेंगे काले झंडे लेके आओगे काले झंडे मंच की तरफ लेके जाएंगे किसानों को उकसाने का काम करेंगे, और जब किसान की तरफ हुआ तो झंडे छोड़ छोड़ के भागे तो इसका काले झंडे किसान उठाएंगे उनको दिखाएंगे, एक झगड़ा करवाने का एक बड़ी साजिश है, इनसे बचना ये साजिश करता है बहुत बड़े, इस तरह के ट्रेंड करा जाता है नौजवानों को ये साजिश रचो। तो भाई कौन सा तरीका है उस तरीके से बता दो कि ये बार बार आ रहे प्रशासन को बता रहे पुलिस को बता रहे, वे रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे, आज हम भी ने भी तहरीर वहां पे दी, और यहाँ का पुलिस प्रशासन ये एलिगेशन लगा रहे जी हम आपको 40 टैंकर पानी देते हैं, कोई एहसान जता रहे हो कि 40 टैंकर पानी देते हैं, यहाँ पर धरने पे बैठे तो पानी कौन देगा, आपको नहीं देना हो अपने बोरिंग कर लेते हैं भाई वो बता दो। तो इस तरह का काम ना करे पुलिस प्रशासन, जो उनको काम बताया जाता है जो होता है जो घटना हो रही है उसकी सही जानकारी रखें उस पर काम करें, कौन आदमी हरकत कर रहा है यहाँ ढोल बजा रहे हो आप पुलिस की देख रेख में वहाँ ढोल बज रहे झंडे दिखा रहे, और फिर कह रहे जी बाल्मीकि समाज को तंग करा जा रहा है, तो इस तरह की कोई ना मनसा है ना है ना हम ये आंदोलन किसी समाज का है ना किसी समाज के विरोध में है, तो ना कोई भी समाज इन चक्रमा पहले भी इन्होंने जातियों में बांटने का काम करा, तो ये है यहाँ किसान क्रांति गेट पे सब शांतिपूर्ण तरीके से है, सब लोग गांव में भी अपना शांति से रहे और समय समय पे जो भी चीज होगी वो आप कोऑर्डिनेट करवाते रहेंगे, ये किसान क्रांति गेट गाजीपुर दिल्ली से है। यहाँ पर आज एक घटना हुई ये इस पे गाजीपुर बॉर्डर पे, ये बीजेपी वाले हरकत करवाते रहे कुछ ना कुछ उससे, यहाँ तीन दिन से कर रहे कि स्वागत स्वागत हो रहा स्वागत हो रहा, आज उसके मंच की तरफ भी आज गए झंडे ले रहे दो घंटे से ढोल बाजी गलेबाजी पत्थरबाजी, तो कौन आए थी भाई तीन दिन से किसका स्वागत हो रहा, मतलब उकसाने का काम कर रहे छप गए और हो कुछ नहीं पाएगा तो कह रहे जो बाल्मीकि समाज का मंत्री था एक और उसका विरोध करा भाई सड़क पर यहाँ पे दिन में को लाखों गाड़ियां जाती हैं, हम किसी की रिकॉर्ड रखते हैं।